हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ ब्लॉग चैनल। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि मंचूरियन कैसे बनता है। आई होप आप लोगों को आता होगा, लेकिन हम अपना स्टाइल में बताएंगे। तो ये देखिए, ये है बंधा गोभी, ये शिमला मिर्च, ये मिर्च का फ्रेश बीन, गाजर, प्याज। फ्रेश बीन को हम पतले पतले से काटे हुए हैं और गाजर को हमने कद्दूकस किया है, प्याज को हमने ऐसे बारीकी से निकाला हुआ है। उसके बाद फिर मिर्चा को भी मैंने ऐसे काटा है। शिमला मिर्च को मैंने बड़ा बड़ा रखा है क्योंकि मैं इसे सारा फ्राई करके मंचूरियन में डालने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसे किया है। उसके बाद फिर मंचूरियन के लिए मैंने ये काटा है, फ्रेश बीन, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, बंधा गोभी, ये सब हमने काटा हुआ है। अब मैं इसमें मैदा और अरारोट मिलाऊंगी और नमक, और मैं इसे, तो ये देखिए अभी हम थोड़ा मैदा मिलाएंगे इसे मिक्स इसमें ये करने के लिए। इतना काफ़ी है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा अरारोट डालेंगे। ये रहा अरारोट, जो कि हम बस एक स्पून डाल रहे हैं, बस ये थोड़ा ये रहे कड़ा रहे, तो बस इसी के लिए। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये ब्राउन कलर का हो गया, कितना अच्छा रंग आया इसमें। ये देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार का आपका दिखेगा जो मंचूरियन है। फिर इसको हम लोग फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर इसमें सॉस उप डाल के जब हम डालेंगे तो आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। ये देखिए अभी हम लहसुन और अदरक डालें, उसके बाद फिर मिर्ची डालेंगे। मिर्ची डालने के बाद जो भी हम काट के रखे हुए थे वो सब सारा डाल देंगे। अभी डल गया, अब इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए अब हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ऐड करना है, बस ये सारे कुछ मसाले। ये है आपका मतलब नमक, जो कि हम लोग खाते हैं सेंधा नमक, और ये है मिक्स मसाला, ये है कश्मीरी मतलब लाल मिर्च पाउडर, ये है आपका चिली पाउडर। तो बस हम इसको अब ऐड करेंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम लोग सॉस ऐड करेंगे। तो ये देखिए हम चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस ऐड कर चुके हैं, तो बस अब ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट तक इसको और अच्छी तरह से भूज रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डालना है, उसके बाद फिर जो छाना हुआ वो चिल्ली है उसको इसमें मिला देना है। तो ये देखिए 2 मिनट बाद कुछ ये अच्छा सा कलर आया हुआ है, रेड रेड। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही सा आपको ऐड करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कीजिएगा तो ग्रेवी नहीं अच्छा बनेगा। बस हो गया, अब जब ये थोड़ा सा खोल जाएगा तो उसमें चिल्ली को ऐड कर देना, जो आप छाने हुए हैं उसको ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा खोल रहा है, अब इसमें हम चिल्ली ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कुछ इस टाइप का।
और ये देखिए हमारा चिल्ली अब खाने लायक हो गया। आप गैस बंद भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत टेस्टी सा चिल्ली बन गया। तो हम तब ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।